नमस्कार, ग्राउंड मीडिया की टीम इस समय मतलाटा के अंदर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है किशनपुर मंत्री हैं, जानते हैं इनसे आज का जो प्रोग्राम था कैसा रहा। सर नमस्कार। आज कमल शक्ति महिला सम्मेलन आज मतलोडा के अंदर पहले नवरात्र के ऊपर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल थे। और जिस प्रकार से जिस प्रकार से आज बहन निर्मला विरागी, जो हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में किस प्रकार से आज हजारों हजारों की संख्या में महिलाएं आकर के माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए आई थी, तो निश्चित तौर पर एक संकेत है जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष ने जो हमारे 75 पार का जो नारे का जो संकेत दिया है वो पूरा होगा जब हमारी महिलाएं इतनी भारी एक त्यौहार के दिन भी इतनी भारी संख्या में आई हैं, तो निश्चित तौर पर 21 अक्टूबर को जो चुनाव होगा तो 75 पार का नारा पूरा होगा। मंत्री जी, आज महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी काफ़ी मात्रा में पहुंचे थे, खाली महिलाओं का प्रोग्राम था पर पुरुषों की इतनी मात्रा में पहुंचना क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी के लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संकेत है कि निश्चित तौर पर 21 अक्टूबर को जब चुनाव होंगे तो उसमें पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। टिकट कब तक अनाउंसमेंट होगी? इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी संगठन ने का बयान भी आया था कल, लेकिन हो सकता है शाम को कोई लिस्ट आउट हो सकती है। और हमारी फाइनल जो मीटिंग जो राष्ट्रीय स्तर की है, जो कोर कमेटी है, उसकी फाइनल मीटिंग आज 4 बजे है, उसके बाद संगठन जो फैसला लेगा वो हम सबको मालूम। आज इस राणा विधानसभा क्षेत्र की टिकट भी डिक्लेयर हो सकती है, इसके लिए संगठन का काम है, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन संगठन का काम है, तो निश्चित तौर पर आपके सामने बात आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ मंत्री कृष्ण पवार जी, परिवहन मंत्री है, जेल मंत्री है, आवास मंत्री है, जिन्होंने बताया पार्टी के बारे में, बताया पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, और जो महिला शक्ति जो आज सम्मेलन था इसके बारे में बताया किस प्रकार की जो आज की जो परफॉर्मेंस रही। तो पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं धर्मेंद्र। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।